हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करेंगे टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो जो कि 10th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, इनकी डेरिवेशन को हम डिटेल में करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए डेरिवेशन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और डेरिवेशंस को देखकर आप अपने नोट्स में इनको लिख सकते हो। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, उसकी दो मेन टाइप होती है। फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है जिसमें रेजिस्टेंस जो है R1, R2 और R3 जो है तीनों को एक सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और उनमें से करंट I फ्लो कर रहा है, और उसकी वोल्टेज जो है वो क्या है V1, V2 एंड V3। तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड अलोंग अ सेम लाइन, दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस जो होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड सेम लाइन पे, ठीक है, तभी उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम रहता है, बट वोल्टेज जो है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन जब हमने स्टार्ट करनी होती है, तो डेरिवेशन में आप ये जो चीजें फर्स्ट डेरिवेशन में इक्वेशन लिख रहे हो उसके बारे में पहले आपने बताना होता है। तो हम भी यही डेरिवेशन के अंदर पहले बता दें, लेट R1, R2 एंड R3 क्या है, 3 रेजिस्टर है, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और I करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, और इसकी वोल्टेज क्या है V1, V2 एंड V3। फिर हमने यूज करना है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V = IR। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी V1 क्या हो जाएगी, IR1, और V2 क्या हो जाएगी, IR2, V3 क्या हो जाएगी, IR3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, V की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम V देख लेते हैं कि किसके इक्वल होती है। V जो है वो किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर हमने देखा कि R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, देन हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, V = IR। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, V की वैल्यू पुट करनी है। तो V जो है हमारे पास V1, V2, V3 के इक्वल है, ठीक है, तो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR1 जो है इसको इस साइड लिख लिया, और उसको इक्वल टू कर दिया V, और V जो है किसके इक्वल है, V1, V2, V3, है ना। उसके बाद V1 की वैल्यू क्या है, IR1, और प्लस V2 की वैल्यू क्या है, IR2, प्लस V3 की वैल्यू क्या है, IR3। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर I जो है वो कॉमन है तीनों में, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, और अंदर क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 R3, और R जो I है I के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो R क्या बचेगा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन RN। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंस जब हम पैरेलली लगाते हैं तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है करंट डिवाइड होकर जा रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है सेम रहती है। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फायदा होता है कि यहाँ पर करंट जो है वो डिवाइड होकर जा रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है वो सेम है। When two resistances are connected between two points of a circuit in such a way that the potential difference across their end remain the same, then they are said to be in parallel connection. तो स्टूडेंट पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेज को क्या किया गया होता है, दो पॉइंट के बीच में अटैच किया गया होता है। दो पॉइंट के बीच में दो या दो से ज्यादा जो रेजिस्टेंसेस है उनको अटैच किया होता है, और उनके जो वोल्टेज होती है वो सेम ही होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन के लिए हम डेरिवेशन करते हैं। तो लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कॉमन पॉइंट A एंड V,
ठीक है। और स्टूडेंट अब हमने फिर से ओम्स लॉ जो है उसको यूज करना है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई क्या होता है, इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इस तरीके से हमारे पास आई वन क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर वन, आई टू वी अपॉन आर टू, और आई थ्री क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर थ्री। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है आई क्या होता है, वी अपॉन आर। ऐसे ही हमने आई की वैल्यू जो है, अब वी अपॉन आर टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, v अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। अब हमारे पास v जो है यहाँ पर कॉमन है, तो v जो है हमने बाहर निकाल लिया और क्या बना हमारे पास, 1 by आर वन प्लस 1 by आर टू प्लस 1 by आर थ्री। ठीक है, अब v जो है v के साथ कैंसिल हो गई, तो इधर क्या बचा, 1 by आर इक्वल टू 1 by आर वन प्लस 1 by आर टू प्लस 1 by आर थ्री, सो ऑन 1 by आर एन। तो ये थे स्टूडेंट हमारी दो डेरिवेशंस, ठीक है, जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हैं। ठीक है, होप आपको अच्छी लगी होंगी वीडियोस, और वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। और प्लीज जो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।